भाई ये नेक्सोन है बेस मॉडल, आपने इसका रिव्यू तो देख लिया होगा। इसमें भाई तीन मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट्स और आपका सिटी मोड, जो माइलेज के पर्पज से होता है। अब वो मोड पर्सनली ट्राई करेंगे, भाई वर्क करते भी है या फिर ऐसे ही दिखाने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारे ओनर है इस गाड़ी के, वो हमें समझाएंगे भाई कैसे कुछ काम करते। ये तो कर बोल रहे करते हैं भाई, करते ना, और प्रैक्टिकली अब आपको दिखा रहे हैं भाई। आ जाओ बैठो, भाई एसी चलाऊंगा, पहले तो गर्मी हो रही है हल्की सी, ऑन कर दो एसी, है ना भाई, फैन पे दो पे कर दो, ज्यादा ब्लोअर की आवाज है भाई। तो अपने पास है ये तीन मोड जो यहाँ से सिलेक्ट है, बेस मॉडल से ही आता है भाई इसमें। तो फिलहाल तो भाई हम सिटी में ड्राइव करेंगे, जैसे कि ये इको आ गया यहाँ पे, देखो इको यहाँ पे लिखा है, इको मैं बदलूंगा तो देखो सिटी आ गया। अब यानी सिटी में ड्राइव करके देखेंगे इस मोड का फर्क पड़ता है असली में। देखो मैं तो क्लिच क्लिच भी उठाऊंगा, रेस दूंगा नहीं, देखना भाई बिल्कुल ध्यान से क्लिच भी उठाऊंगा, सिटी में उठा रहा हूँ भाई, गाड़ी उठ गई। यानी 1200 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इसमें, और जो आपकी 118 bhp और 170 mm का टॉर्क, टॉर्क इसलिए कम है भाई पेट्रोल इंजन है, डीजल में टॉर्क मिलता है आपको। इसमें भी आपको मैं बताऊं, मैं पर्सनल यूज पे बताऊं, गाड़ी हल्का सा ऐसा लग रहा है इनिशियल में दबती है, जो आप स्टार्टिंग में चलाओगे ना तो थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, मतलब दबने का काम लग रहा है। अगर पंजा थोड़ा सा और तभी दबा देते हो तो फिर खींचने लग जाओगे भाई इनिशियल, यानी 40-50 तक आपके आराम से पंजा में इतना जोर आ रहा है। अगर जोर हाँ लॉन्ग रेंज खातर, यानी आपकी बढ़िया दे जाओ सिटी में, मतलब डिसेंट पावर है, आप माइलेज निकाल सको। स्टेयरिंग में भी मैं तो वैसे ही कहूँगा लाइट वैसे ही है स्टेयरिंग, सिटी के पर्पज से आप चला सकते हो भाई। पंजाब में मैं पर्सनली बताऊँ ना, हल्को सो सिटी में तो बोलो धीरे ही उठ रही है गाड़ी, इतनी फर्क ना दे रही। स्पोर्ट्स में अभी इससे पहले स्पोर्ट्स में ड्राइव करो तो मुझे खुद फर्क है गाड़ी में, हाँ कुछ फर्क है भाई गाड़ी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे एक बार स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स ना उसके बाद इको आवे ना, इको में ज्यादा दे माइलेज भाई, इको सबसे नीचे ज्यादा एवरेज 70, सिटी में मतलब बीच पावर हो रही है, दोनों एक साथ पावर, इससे वापस ले ला फिर अपन वहीं से घर निकल लेंगे, यो सीधा रोड है ना, फिर इस पे टेस्ट कर लेना। एक सेकंड यहां से मोड़ लूं भाई, कोई आ तो ना रहे हो, बस दादा आगे ना ले फिर दिखाऊंगा ना जो गाड़ी आ रही होगी उसने भाई। कैमरा ये आफ्टर मार्केट फिटिंग है, बता दे गाइडलाइन में मैंने तो कंफ्यूज कर दे कई बार, उल्टी पुल्टी दिखा दे गाइडलाइन। आ भाई मोड चेंज कराऊंगा आगे, यहाँ से सीधा लगा के ब्रेकर पार करके जो लगा। एक और सिटी में तो सेम सेम ड्राइव होगी मेरे को लगता है, फर्क है 19-20 को स्पोर्ट्स में है मेन, भाई क्लिच भी उठा रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी डच को ले हुए, हाँ इसमें थोड़ा लैग ले हुए, डच को ले हुए, हल्की सी तेज है भाई इसमें, हल्की सी तेज है, देखो झटको मार रही है, इको में झटको मार रही है भाई बिल्कुल। ये हाईवे के लिए है भाई, ये जो मोड है ना आपका, हाईवे पे एवरेज निकालनी हो उसके लिए है, पावर भी अच्छी डिलीवर कर रहा है और एवरेज भी देगा आपको इस मोड में भाई। बढ़िया यार गाड़ी बढ़िया दे रही है एवरेज, तो फिर उस हिसाब से तो इको में ही एवरेज निकलेगी भाई, सही है यार। पावर तो इसमें कम ही है, देखो मैं बताऊँ पंजाबी इतना रिस्पॉन्स तो आयो ना, मेन आएगा स्पोर्ट्स में आपका, तो एक बार स्पोर्ट्स में ही कर लूंगा, क्यों दुखी हो रहा काम का, स्पोर्ट्स में लेंगे मजे भाई। ये है सिर्फ माइलेज निकालने के लिए मोड भाई, यहाँ से करा वो बोल ना रहे हो, बोले भी तो है स्पोर्ट्स मोड एक्टिव, वो टॉप मॉडल बोले, अच्छा ट्विटर स्पेसिंग दी गई है ना इसमें भाई, ये स्पोर्ट्स यहाँ पे आ गया, देखो ये लिखा स्पोर्ट्स, अब देखा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं बिल्कुल भाई वो एक क्लिच में उठाऊंगा, देख लो इसमें तो फर्स्ट गियर पे भी मार दिया झटका, ये फर्क है भाई। भाई पंजाब में मतलब मैं पर्सनली बताऊं ना, देखो अपने कैमरा भी पीछे जाना, जान आएगी एकदम से भाई, मजाक की बात ना, मैं सेम दबा रहा हूँ पंजा भी, मैं ज्यादा ना दे रहा भाई, उतना ही दबा रहा हूँ जितना मैंने पहले दबा रखा है, बताओ भाई जान आ गई सच में। पर इसमें वही बात है फिर, आपको एवरेज नहीं मिलेगी भाई, एवरेज कितनी आ जाए भाई स्पोर्ट्स मोड में, 10 है भाई बताओ, 10 एवरेज, फिर क्या क्या कुछ फायदा है ना 10 का यार, ये तो 10 की तो आप कहाँ करंट दे रहे ना, आप कितने दे रही है, 11 की दे रही है, वो तो हम लोकल में देखो भाई सूट कर रहा हूँ बिल्कुल, 10 की 10 11 की, वैसे इससे तो मैंने ये उम्मीद तो ना थी देखो 10 11 की, क्योंकि छोटी गाड़ी है भाई
और ना कोई इतना मतलब हैवी सिस्टम लग रहा, कई फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो 10 की एवरेज तो यार एक फॉर्चुनर दे हुए डीजल में, तो यार ये तो भाई पर्सनल बताऊँ ना एवरेज के मामले में तो तेल का कुआ है। कितना ही प्यार दो है ना, पी जाओगे। पर चलो भाई सबकी पसंद होती है, सेफ्टी के पर्पज से हमने ये लिया है तो हम खुश हैं इसमें, कस्टमर खुश है सेफ्टी के पर्पज से। तो मोड का भी फर्क दिखा दिया भाई, क्लिच पे उठा के दिखा दिया। स्पोर्ट्स का मैंने पहली बार ड्राइव करी है, मतलब स्पोर्ट्स मोड से इको मोड में सब मोड में लगा के मैं पर्सनल बताता हूँ भाई, जरूर फर्क था, जरूर फर्क है। और वो फर्क किस लिए आता है, वो मैकेनिकल वाला मैं थोड़ा पार्ट बताता हूँ। जो आप ये आरपीएम देख रहे हो ना भाई, ये आरपीएम मिसमैच होता है, यानी आप इको में आ जाओगे ना तो आपका पंजा दबाओगे उतने आरपीएम नहीं उठेंगे, वो थोड़ा डार्क एडिशन आ रहा भाई थोड़ा। देखो नेक्स्ट जोन पे है ना, तो नेक्स्ट जोन है तो जरूर देखता है एक बार, नेक्स्ट जोन का जो गाड़ी होती है जिसके पास जरूर देखता है एक बार मुड़ के। इसमें मैं बता रहा था स्पोर्ट्स मोड में क्यों भाई, जैसे मैंने पंजा दबाया हल्का इतना, स्पोर्ट्स मोड में आरपीएम उठ जाएगा 3 तक, इको में उठेगा 2.5 तक, और जो सिटी में उठेगा ना वो 2 तक। ऐसा होता है भाई, आरपीएम का थोड़ा मिसमैच होता है वो करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई इतना ही लगता है, ये 3 ही मोड थे, वो तीनों मोड मैंने बता दिया आपको। जो अगर पूरी वीडियो इसकी रिव्यू की देख रहे हैं ना कैसी क्या चल रही है, वो चैनल पे अपने पहले आ चुकी है, इससे पहले वो जरूर देखना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।